देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लालकुआं से आपको बताते चलें, लालकुआं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखत्ता में धान क्रय केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर वहां मौजूद पटवारी मोहित बोरा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि बिंदुखत्ता क्षेत्र लगभग 1,00,000 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा उक्त क्षेत्र में धान केंद्र क्रय न होने के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि संसद में कृषि बिल पारित होने के बाद से किसानों की दशा दयनीय हो गई है, आज किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने बिंदुखत्ता क्षेत्र में धान गेहूं एवं गन्ना क्रय केंद्र खोले थे, लेकिन वर्तमान में गन्ना क्रय केंद्र चल रहे हैं, लेकिन धान क्रय केंद्र न होने के चलते यहाँ के किसान अपने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे। 1,868 रुपये के सरकारी रेट होने के बावजूद भी 1,200 या 1,300 रुपये में निजी हाथों को बेचने पर मजबूर हो गए हैं, जिसे कांग्रेस जन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला नेत्री संध्या डालाकोटी ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कहने वाली सरकार किसानों की मेहनत का दाम भी नहीं दे पा रही। उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखते हुए बिंदुखत्ता क्षेत्र में जल्द से जल्द धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है तथा मांग पूरी न होने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आप देख रहे हैं लालकुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, से फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। भाई, जिस प्रकार से कृषि कानून, कृषि जो विधेयक इस समय लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसके खिलाफ और जो बिंदुखत्ता क्षेत्र में धान की खरीद नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस समय फसल पक के तैयार हो गई है, धान कट गए हैं, उनकी मड़ाई हो गई है, लेकिन वहाँ अभी तक कांटे नहीं लग पाए हैं, जिसका मुख्य कारण है कि इन्होंने जो अभी एक नया वो बनाया है कि जिसके पास खतौनी नहीं होगी, जिस काश्तकार के पास, तो उसमें जो है धान की खरीद नहीं की जाएगी उससे। भाई देखो, ये काश्तकारों के साथ सरासर अन्यायपूर्ण जो है व्यवहार जो सरकार यहाँ पर कर रही है, क्योंकि भाई देखिए, अगर बिंदुखत्ता क्षेत्र में वन भूमि में भी लोग बसे हैं, तो इतने वर्षों से कांग्रेस के शासन में भी बिंदुखत्ता क्षेत्र में कांटे लगे थे और धान गेहूं वगैरह की वहाँ पर खरीद की गई थी। हमने आज जो ये ज्ञापन यहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, इसमें हमने ये मांग रखी है कि तुरंत ही बिंदुखत्ता क्षेत्र में जो है, जो इन्होंने MSP जो इनके घोषित समर्थन मूल्य है, उसमें यहाँ पर जो है धान की खरीद की जानी चाहिए। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया है। सरकार द्वारा एक ऐसा नियम निकाला गया है, जिनके पास वर्ग एक खो की खतौनी नहीं होगी, वो व्यक्ति का धान नहीं लिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा बिंदुखत्ता की जनसंख्या 1,00,000 से ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्र गोलापर, गोरा पड़ाव, खड़गपुर, मोटा हल्दू, हल्दू चौड़ में काफ़ी ऐसी जनसंख्या है जिनके पास खतौनी नहीं है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जो MSP समर्थन मूल्य है सरकार द्वारा, उसको उस पर नियम पूरे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि ये फसल यहाँ पर एक कृषि उपजाऊ, 80% लोग कृषि उपजाऊ खेती करते हैं और उनको अपनी उनकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसकी नाराज़गी जताते हैं। और हमारे द्वारा जो उपज अभी की गई है, एक 1,868 रुपये इसका MSP मूल्य है, और उसको किसान द्वारा 1,100, 1,200, 1,300 में लिया जा रहा है, ये क्या नीति है? इसलिए हम लोग आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारे बिंदुखत्ता क्षेत्र में और गोलापर, गोरापड़ा, खड़गपुर, जहाँ पर भी फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पर भी धान खरीद की टोल लगाई जाए और किसानों को सुविधा दी जाए।